बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उसामा शिराजी, आयशा शिराजी, मुर्शिदा जाते खिदमत पे हाजिर। बहुत ही मजे का बनते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाए जाते हैं। एक प्याली बेसन लेंगे, हाफ कप बंद गोभी, एक दरमियानी साइज की प्याज बारीक कटी हुई, आलू हमने लिए दो अदद जिनको हमने बारीक से काट लिया है, एक चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, तीन हरी मिर्चें, आधा हम लोगों ने शिमला मिर्च लिए दरमियाने साइज का बारीक काट लिए। सो व्यूअर्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें आज की रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेंगे एक बाउल, इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, अब हम ऐड करेंगे बंद गोभी। अब हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, हल्दी, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। तो ये जब हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर मिक्स करने के बाद हम लोग हसब ज़रूरत पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि ये पकौड़ों के लिए बैटर एकदम रेडी हो जाए। तो आस्ते आस्ते हम लोग पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, एकदम से सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, आस्ते आस्ते ऐड करेंगे। सो इस बैटर हमारा एकदम रेडी है। सो बस ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर फ्राई करेंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट हो चुके हैं इसलिए हम लोगों ने साइड पर रख दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलर बहुत ही अच्छा है। सुबह साइड चेंज करते हुए हम लोग पकाएंगे और साइड्स चेक करते जाएंगे, जैसे कलर बिल्कुल सही हो जाएगा तो फिर हम लोग उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब हम लोग निकाल लेंगे किसी भी सर्विंग डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं पकौड़े तो फिर आपको बैटर ज़रा गाढ़ा रखना पड़ेगा।